दस साल तक नामपल्ली में सत्य का कब्जा वो गिड्ढा सत्य का कब्जा फिरते रहा, या फिर पूरा कचरे की कुंडी बना दिए, सारा कचरा लाके यहीं डाल दे रहे। 30 साल से कोई मुखानी आदमी जमात को नहीं रहा, 30 साल हो गए इधर उधर से लाते याकूब पुरे में डाल देते, अब सत्ते के कब्जे को लाके डाल दिए, कहीं करते फिर रहा। एक वीडियो देखा स्टेज के ऊपर यू कर रहा है सर, अरे सत्ते के कब्जे इलेक्शन के दिन तेरा पूरा मांजा तागा सब काटेंगे, कन्ने लड़ा लेते बैठना कन्ने, ये अहमदुल्ला खा का इलेक्शन है, इसका इलेक्शन है अहमदुल्ला खा, ये सानिय गाजिया मिल्लत है, ये अमानुल्ला खा साहब की याद दिला दी आप। अगर दादागिरी करने की कोशिश करेंगे 1 को 10, 1 भैरी में 5-5, दादागिरी नहीं इलेक्शन के सर का इलेक्शन लड़ना। अगर आके बदतमीजी करे याकूबपुरे में, अब याकूबपुरे वाले बेजार हो गए इन लोगों से। ये नखीबा हबीबा, अगर ये नखीबा हबीबा आके ज्यादा गड़बड़ करी तो फिर सलीम भाई का ग्रैंडोमाइसिन इंजेक्शन, पूरा पूरा कोर्स बना के रखूं पूरे इंजेक्शनों का, जहां गड़बड़ करे शेरवानी उठाएंगे दे देंगे नीचे। तैयार है ना आप लोग? याकूबपुरा मजलिस का मजलिस बचाओ तहरीक का गढ़ है, ये चप्पे चप्पे के ऊपर गाजी मिल्ला तमारुल्ला खान साहब की निशानियां मौजूद है और उनकी निशानी आज यहां मौजूद है। रात के 2 बजे रात को भी आज हजारों औरतें प्रजा दरबार के ऊपर खड़ी थी है, ये अहमदुल्ला खान खड़े थे, वो गरीब खवातीन की मदद करते हुए आप लोगों ने देखा है। ना इख्तदार है, ना कारपोरेटर है, ना एमएलए है, मैं वो दौर अमानुल्ला खान साहब के जमाने में देखता था जब मजलूम लोग परेशान लोग उस गली के अंदर आके खड़े थे। आज एक दौर है जब वहां जाता हूं तो मुझे गाजी मिल्लत की याद आती है, ये अहमदुल्ला खान उनके आंसू पोंछ के बैठा रहता है। तो आज आपको गौर करने की जरूरत है, अगर आपके घर की मोरी भर गई तो कहां जाएंगे आप? ये सत्ते के कब्जे को ढूंढते फिरेंगे? कहां रहता सत्ते का कब्जा? ये रात में दिन में कभी भी फोन करो आपको अवेलेबल है? अगर कभी कोई मजलूम पुलिस के जुल्म का शिकार गाजी मिल्लत के पास आता तो गाजी मिल्लत अमानुल्ला खान साहब मरूम अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। ये तालाब कट्टा गवाह है ना, पखाड़ों में देखते थे ना गाजी मिल्लत को, अकेले जीप में 11-12 में बैठ के आते थे, यही चलते थे ना नशे में नगर लाल दरवाजा, लाल दरवाजा को हरा कर तो बोला था, मंदिर को 10 करोड़ रुपए दिला के लाल कर दिया। अरे हम भूल रहे हैं वो सब, तुम्हारी पूरी बड़ी बातें आने वाले जलसों में हम बताएंगे कि तुम दोनों मुनाफिक नंबर 1 है। आजकल निकले हुए हैं नट्टा मामू है रे तेरा, वो तेरा मामू कैसा हो गया 90 ml, शाम होते लुट्टी से पीता, ये चपटे का मामू कहते हो, नट्टे मामू को ओढ़ दियो, नट्टे मामू को ओढ़ दियो, लगते मामू से पैसे खा गए। अगर इतनी तुम्हारे में दम है गैरत है वो राजा सिंह सुभाष हम गालियां दे रहा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहन को
पान खा के आता हूँ, घर को आ जाता हूँ ना, तुम्हारी गिराड़ में दम है तो राजा सिंह से लड़ के बताऊं, इलेक्शन लड़ो, गोशा महल पार्लियामेंट हैदराबाद में आता, लड़ो ना, डाले नॉमिनेशन, डाले फिर वो लड़ना, हम लोग लड़ना, पहले राजा सिंह से तो लड़ो बाबू, अगर ये गाजी मिल्ला तमानुल्ला खान साहब का ये नौजवान हमजदुल्ला खान कामयाब होगा, ऐसे 10 राजा सिंह को मसल के फेंक देगा पैरों के नीचे। ये पठान का बच्चा है, गाजी मिल्लत का बच्चा है, अमानुल्लाह खान साहब का बच्चा है, इसके मुकाबले में सत्ते का कब्बा, कोई अच्छे शेर को लेके आना था लड़ाने के वास्ते, लाए तो लाई ये गिड्डे काले कब्बे को लेके आए, सत्ते के कब्बे को कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो मुबारकबाद दे देता हूँ, छोटा रिचार्ज फुल टाक टाइम, छोटा रिचार्ज फुल टाक टाइम, बहरहाल अपना एक एक वोट हमजदुल्ला खान के हाथ में देना, अब के मंजिल बचाओ तेरे का एक नुमाइंदा लाओ, कब तक ये हिगड़ों के पीछे फिरते रहते, एक मरद की कामयाब करो, लाखों पूरे से मरद को मुंतखिब करो, अब तक तो हिगड़ों को करे ना, अब मरद को मुंतखिब करो, दूसरे जलसों में तफसीली बात करूंगा, खुदा हाफिज़।